प्रिय छात्रों, कविता का सारांश, उसके कुछ छंदों को मैं आपके सामने सारांश के तौर पे पेश करता हूं। और ध्यान पूर्वक सुनिए। हे ग्राम देवता अर्थात कृक्ष, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूं। तुमने सोने अथवा चांदी से प्यार नहीं किया, अपने खेतों की मिट्टी से प्यार किया है। अगले छंद में कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा लोगों के शोरगुल से दूर एकांकित में तुम्हारा अपना एक छोटा सा घर हो और उस घर में सूरज और चंद्रमा का प्रकाश अधिक तुम्हारे प्राणों का ही प्रकाश रहता है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले छंद में तुम्हें दिन रात परिश्रम करके जड़ धरती के अंदर से तुम चेतना का विकास करते हो। तुम्हारे एक एक दाने से सैकड़ों दाने की उत्पन्नी होती है और पूरे देश को आप खुशहाल बनाते हो। उसके एक छंद में वो कह रहे हैं कि खेतों में परिश्रम करते हुए तुम्हारे शरीर से जो पसीने की धारा बहती है, ये उतनी ही पवित्र है जितनी कि गंगा की धारा। इन छंदों का स्पष्टीकरण मैं आपके सामने छात्रों कर चुका हूं। अब आपने उसको ध्यानपूर्वक सुना। अब घर जाइए और अगले छंदों का इंतजार कीजिए।